Wobble seam, good night. ये सारी तैयारी किस लिए है और सुबह इतनी जल्दी क्यों निकला जा रहा है ये भी आपको थोड़ी देर बाद पता लगेगा। थोड़ी देर बाद क्या, 3 घंटे बाद पता लगेगा कि मेरी 3 घंटे की ड्राइव है। मुझे दूसरी सिटी जाना है, मतलब दूसरी स्टेट जाना है। टेक्सली मैं ओक्लाहोमा में रहता हूँ, तो मुझे ओक्लाहोमा से मुझे टेक्सास जाना है। सो ओक्लाहोमा से टेक्सास जो है ना, मुझे इस वक्त 3-3.5 घंटे की ड्राइव लगेगी। और इतनी सुबह मेहनत क्यों हो रही है ये भी आपको थोड़ी देर बाद पता लगेगा। और मिलते हैं आपसे वहाँ पर जहाँ के लिए सारी मेहनत शुरू हुई। हाँ जी, वेलकम बैक। खैरियत से भाईजान, मैं टेक्सास पहुँच चुका हूँ डैलस, और ये सामने मेरे स्टेडियम है। गाड़ी अभी बंद नहीं करी, और देखें आप टाइम देख सकते हैं, टाइम इस वक्त हो रहे हैं 8:05। ओके जी, वेलकम बैक अगेन। थोड़े से ब्रेक के बाद अब हम गेट ओपन हो चुके हैं और सब अंदर जा रहे हैं, तो मैं भी अंदर जाता हूँ। और अभी तो क्राउड आना स्टार्ट हुआ है, काफ़ी जोश है। लोग पाकिस्तान के बड़े बड़े फ्लैग लेकर आए हैं, और मेरे भी आप देख सकते हैं कि बस जो शर्ट मुझे मिली, मैं कहते शायद लकीली मेरे पास ये शर्ट थी, ये हुडी मतलब है। थोड़ी सी गर्मी लग रही है लेकिन पाकिस्तान के लिए ठीक है, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं इसमें ग्रीन और वाइट दोनों मिक्स हो, तो यही मेरे पास शर्ट थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं भी एक उसमें, फ्लैग मेरे पास नहीं था तो मैंने कहा चलो एक कलर एज अ रिप्रेजेंट मैं भी जो है ना वो एक आ जाएगा कैमरे में कि भाई चलो मैं भी ग्रीन और वाइट के साथ जो है ना मैंने मैच में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो देखते हैं, होपफुली पाकिस्तान अच्छा खेल ले US के साथ। आज हिस्ट्री का पहला मैच है, यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान दोनों पहली बार क्रिकेट में आज खेल रहे हैं, और ये वर्ल्ड कप है। सो होपफुली मैं बहुत हाई होप है मेरी कि पाकिस्तान जीत जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स से। सो लेट्स गो इनसाइड एंड सी के क्या होता है। आ जाए, ओके, गेट ओपन हो गया है, लाइन लग गई है, अब टिकट रेडी, लेट्स गो इनसाइड। थैंक यू, ओके, टिकट चेक पास और अंदर, थैंक यू, गिव मी 4, यू हैव 6, बैक, ओके भाई, ये इन्होंने पकड़ा दिया है, छक्के और चौके का साइन है, देखते हैं कौन लगाता है आज सबसे ज़्यादा। यार आपको बाथरूम दिखाते हैं यार, इतना साफ सुथरा बाथरूम। स्टेडियम के अंदर एंट्री हो गई है, फ्रेश अप भी हो गए हैं और वॉशरूम भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, मुंह भी धुल गया है, ज़रा सब सेट हो गया है, बाल बाल भी सेट हो गए। अब स्टेडियम जो है वो लोग आना स्टार्ट हुए हैं, मैं थोड़ा जल्दी आ गया था ताकि आप लोगों को थोड़ा खाली स्टेडियम दिखाऊं। अभी मैं कैमरा टर्न करूँगा तो आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे कि एक तो बहुत छोटा है आज एक ग्राउंड है, और इतनी करीब से अगर पाकिस्तानी टीम को देखने को मिल जाए खेलते हुए तो यार तो पैसा तो वैसे ही वसूल है। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं देखने के लिए? ओके, आँखें बंद करें, 1, 2, और ये मैं कैमरा टर्न कर रहा हूँ।
सीट पर बैठकर देखने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, इतना क्लोज। ये इन्होंने स्टेडियम नया बनाया और बड़ा ही खूबसूरत स्टेडियम है। पहले ये जो है वो बेसबॉल स्टेडियम हुआ करता था हमेशा से, स्पेशली उन्होंने इस वर्ल्ड कप के लिए T20 के लिए इन लोगों ने पूरा स्टेडियम नया बनाया है। आप YouTube पे इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं और बहुत ही कमाल काम किया है। और ये कुछ ही महीनों में किया है, ये नहीं कि दो चार साल से लगे हुए थे, इन्होंने बहुत जल्दी इन्होंने इसको किया है। पूरी इन्होंने वीडियो डाली है YouTube पे, आप देख लीजिएगा। इतनी करीब बाउंड्री है कि मतलब जो है ना, शायद अगर कोई प्लेयर आ जाए, बाबर आ जाए या कोई आ जाए तो यार भाई उसको हाई फाई भी कर सकते हैं यार। देखते हैं भाई, फर्स्ट पहला एक्सपीरियंस है मेरा इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान, बड़े शौक से आया हूँ देखने। आप लोगों को भी दिखा रहे हैं कि अमेरिका में क्रिकेट कैसे जो है ना होगी। और भाई तो एक अपॉर्चुनिटी थी हम लोगों के लिए तो कि भाई हमारे ही मुल्क में यहाँ हो गया और ज़रा सा अपने शहर से थोड़ी दूर दो ढाई घंटे की ड्राइव पड़ी बस, तो वो थोड़ा म्यूजिक लाउड चल रहा है। आई होप के कॉपीराइट स्ट्राइक ना पड़े इस म्यूजिक पे, क्योंकि भाई मैं तो नहीं चला रहा, स्टेडियम चला रहा है। वो कितना बड़ा अजाब करने लग गया, ये बड़ा कॉपीराइट स्ट्राइक, दिमाग का कॉपीराइट स्ट्राइक, यहाँ आपने चीज़ें डाल दी, इसकी कॉपीराइट स्ट्राइक, इसका क्लेम, उसका क्लेम। यार वीडियो अपलोड कर चार चार दफ़ा अपलोड करनी पड़ जाती है मुझे, पहले अपलोड करी आधा घंटा लगा के अपलोड हुई तो पता लग गया कि आपने ये जो वॉइस है या हल्का सा एक साउंड है ये कॉपीराइट है। अबे भाई उसको ट्रिम करो, फिर टाइम लगाओ, फिर चढ़ाओ। खैर चलो, जब आप लोग देख लेते हैं, व्यूज़ आ जाते हैं और पसंद करेंगे, अभी तो इतना नहीं है, लेकिन अगर आप करें तो मेहनत तौर पे और टाइम जो है ना वो वसूल है। टीम आ गई। अरे यार लोग शोर मचा रहे हैं, बस मेरा टीम आ गई। कर रही है, आपको दिखाता हूँ। भाई आ गए प्रैक्टिस, बाबा ने अपनी प्रैक्टिस का पहला शॉट, और ये फॉर्म में दिख रहे हैं इस वक्त, डिपेंड है पिच पे क्या करते हैं। नारे लग गए बाबर के लिए, फुल गरम चल रहा है। इज इट फॉर 109 एंड 104? ओके दैट्स अ स्पोर्ट्स बार। भाई पीछे तो VIP एंट्री थी भाई, VIP कार्ड है नहीं अपने पास, लेकिन इतनी ज़रूरत भी नहीं क्योंकि हर चीज़ तो वैसे ही कुछ इतनी साफ दिख रही है, पीछे जाके भी क्या देख लेंगे। बाबर ने मिलना तो है नहीं,
सारा शोर रिजवान भाई के लिए हो रहा है। रिजवान भाई अब ग्राउंड में आ गए, अब उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई। इतनी जबरदस्त मतलब मजा आ रहा है, वोटिंग हो रही है, इतने अच्छे अच्छे जो है ना बाहर भाई को जो है ना वो पास किए जा रहे हैं। अभी म्यूजिक चल रहा है, मुझे डर लग रहा है यार ये म्यूजिक के चक्कर में ना मेरे को जो ना आ जाए कॉपीराइट ना आ जाए कि म्यूजिक बंद करो, सारा साउंड म्यूजिक के अंदर। लेट्स सी अपलोड करते हुए क्या होता है। अंकल भी आए हुए मैच देखने के लिए, क्या जज्बा है भाई। आप पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने आए, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने आए भाई अंकल देखे। शोर शराबा अब जो है ना अब सिर्फ ऊपर ही जाएगा, आवाज़ें सिर्फ ऊपर जाएंगी, नीचे कुछ नहीं आएंगी। इस वक्त जो है ना हीट के साथ साथ जो है वो हमारे जज्बातों की भी हीट जो है ना ऊपर जा रही है। प्लेयर्स को सब यार वाकई इतने करीब से मैं नहीं इमेजिन कर सकता था कि इतने करीब से प्लेयर्स को देखने को मिल जाएगा। सही भाई 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 अमेरिका में आ गए, चांस लग गया तो देख लिया। मतलब इतने करीब से प्लेयर्स को देखने के लिए ना आपको इतना महंगा टिकट लेना पड़ता है ना कि ऐसे वो देखे वो सामने वाली, अभी मैं आपको दिखा दूँ जहाँ से प्लेयर्स आ रहे हैं उसका टिकट जो है वो, और जो मैंने टिकट लिया है इतना कोई खास फर्क नहीं है। आप ये शायद ये स्टेडियम जो नया बनाया है छोटा है तो इस वजह से जो है ना वो किस्मत से हर आदमी को मौका मिल गया प्लेयर्स को देखने का, वरना अमूमन स्टेडियम इतने छोटे होते नहीं है, उतना चांस आपको मिलता नहीं सस्ती टिकट वाले को प्लेयर को उतने करीब से देखने का, ठीक है। लेकिन भाई इन्होंने नया बनाया तो उन्होंने इस तरीके का बना दिया कि वीआईपी और रेगुलर जो है ना साथ मिक्स हो गए। मैं आपको दिखाता हूँ वीआईपी कौन सा एरिया है, मैं कैमरा उधर करूँगा और सामने ना वीआईपी लोग खड़े होंगे उस तरफ चल कर, ये देखिए जो आपको आगे दिख रहा है ना उस पर लिखा हुआ है स्पोर्ट्स बार एंड ग्रिल, ठीक है। वो वहाँ पे सारे प्लेयर्स बैठे हैं उसके साथ ही जो सीटिंग है ये थोड़ी सी वीआईपी है, इसका टिकट थोड़ा सा हाई है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि प्लेयर्स जो है ना यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, निकल अंदर मतलब ग्राउंड में आते हैं और फिर वापस जाते हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा जो है ना वो मिल जाता है कि अगर भाई आपकी किस्मत अच्छी हुई उनका मूड अच्छा हुआ तो आपको हाई कर देंगे, ऑटोग्राफ दे देंगे, हाथ में डालेंगे। लेकिन ठीक है सही है वर्थ इट है भाई, मुझे पता नहीं था, मैंने तो जो टिकट लिया उसमें ही मेरा पैसा वसूल गया भाई। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इतने करीब से बाबर को रिजवान को या पूरी टीम को जो है वो करीब से देख सकेंगे। तो अगर टीम मीटिंग चल रही है मुशावरत चल रही है भाई पहले कौन जाएगा, आज देखो तुम्हें कर देना, आजम खान को बोल लोगे देखो बेटा आज जो है ना कुछ करके आ जाना, कौम की इज्जत लगी है, पापा भी लगे हुए लाइन में, मतलब पापा को थोड़ा ज़रा आप आज कुछ कर देना, वरना मनी के बाबा मैं फिर आउट हो गया, बाबा मैं तो साइन बना के लाया हूँ उसके लिए, अगर आज ही आउट होता ना तो मैं देखा मैं इसके साइन निकालता हूँ। देखा आपको उधर दिखाते हैं फिर ये पूरी टीम मीटिंग चल रही है, इस वक्त टीम मीटिंग देखा
करीब से देखें। अभी तो जल्दी आने का यार, ये भी एक मज़ा है। आप मैच की प्रैक्टिस देखें, प्लेयर्स को करीब से देखें। मैच तो आप देखते रहते हैं घर पे टीवी पे, और स्टेडियम में आएंगे तो आपको ये माहौल मिलेगा जो आपको घर में टीवी में नहीं मिल सकता। यहाँ से आपको दिखाते हैं बिल्कुल क्लोज। खूब बढ़िया यार। किसी को मेरे पास जॉब करनी है कैमरामैन की, यार मुझे बता दे, मैं ओके मैं उसे पे करने को भी तैयार हूँ। भाई बड़ा मुश्किल काम है यार ये कैमरा चला कर उठा के घूमना यार। भाई यूएस में ही यार कोई रहता है ना भाई अच्छा कैमरामैन, कुछ हो या बता दे। स्टेट्स का एंथम, इसको क्लोजली फॉलो कर रही है।
मैं 3 बजे उठा था, शावर लिया, थोड़ा सा कुछ खाया और फिर गाड़ी स्टार्ट करके स्ट्रेट टेक्सिस, मतलब 3.5 घंटे की ड्राइव करी है। सिर्फ मैं 2 घूंट पानी पे चल रहा हूँ और एनर्जी लेवल मेरा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इतना हाई है कि मैं मजीद 12 बजे तक ऐसे खड़ा रह सकता हूँ, क्योंकि जो गेम होने वाला है ना, इस गेम के लिए ना पूरी एनर्जी मैंने कैसे अपने अंदर लेकर आया ना, ये मैं जानता हूँ, और ये एनर्जी मुझे रखनी है मैच खत्म होने तक। अभी आपको पूरे ब्लॉग में सेम एनर्जी मिलेगी मेरी, रत्ती बराबर भी फर्क नहीं आएगा। मैच शुरू करते हैं, चले आए स्टेडियम इतना छोटा है कि अगर मुझे भी इस वक्त बोले ना कि आगे खेल लो तो 2 छक्के तो शायद मैं ही मार दूँ। किसी को भी अगर एक रेगुलर क्रिकेट खेलने वाले को भी इस वक्त बैट पैड करा देना, उसको बॉल कराएं, शायद वो भी छक्का मार दे। आप खुद देखें, वो पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वो बैटिंग करेगा। सॉरी, मुझे लगा बाबर स्ट्राइक पे, ओके सॉरी, मैंने गलत सुना, मुझे लगा शायद बाबर ने पहले कहा कि मैं हम बॉलिंग करेंगे, तो मुझे लगा कि ये लोग पहले बॉलिंग करेंगे, लेकिन अभी शायद जो है ना बीच में शायद चेंज कुछ हो गया, शायद मैंने शायद गलत सुना, सॉरी, कि ये पाकिस्तान बैटिंग कर रही है और USA बॉलिंग कर रही है। तो पहली बॉल हो गई है, उसका ना ही फन। अच्छा, तो पाकिस्तान इनको पहले बैट करेगी, बाद में बॉल करेगी, ओके, तो ये स्ट्रेटजी है। अच्छा, वो तो उसमें तो पाकिस्तान चैंपियन है। अच्छा भाई, अब आपको पूरा मैच दिखेगा और जो है कैमरा उस तरफ होगा। बाबर को थोड़ा मैं और दूसरी साइड से करीब से जाकर शूट करता हूँ, अगर वहाँ से अच्छा शॉट अभी बॉल होने वाली है। गुड बॉल, USA बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बहुत अच्छी बॉलिंग है। अच्छा, मैं ऐसा थोड़ा और करीब जाने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझे थोड़ा और फोकस मिल जाए, थोड़ा स्टेडियम में करके रहा हूँ, मैं थोड़ी दूसरी साइड आया हूँ, ज़रा चल के यहाँ से, हाँ और यार यहाँ से तो अच्छा और व्यू है, ओके, अब यहाँ से देखना। गुड, यार बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं यार, दिस इज डूइंग अ रियली रियली वेल, USA की बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है। With today's hot weather, spectators are reminded to stay hydrated. Free water. Spectators are also reminded that discrimination and racially abusive comments and actions will not be tolerated and will result in ejection from the ground, the imposition of sanctions, and possible criminal prosecution. आपको मैं पोजीशन चेंज कर करके जो है ना वो नए नए एंगल से जो है ना वो दिखा रहा हूँ। अबे ओ भाई, इनसे खेले लिया, इनसे हाथ निकलेगा। USA भाई, USA अबे आपकी पार्टी में आ गया भाई, USA। यहाँ पे एक्साइटमेंट लेवल फुल हाई है, जब आप उसको कल ब्लॉग देखोगे तो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा कि स्टेडियम में कैसे जो है मजा आता है। फाइनली एक छक्का जो है वो खुशी की लहर आई।
पोजीशन में हो कि अगर वो सामने से खेलेंगे और यहाँ छक्का मारते हैं तो फिर देखते हैं कि भाई अगर छक्का आता है या नहीं आता। विल सी ये वो सिक्स जो है वो इतना ऊंचा अगर मार दिया तो स्ट्रेट पर भले बहुत छोटा स्ट्रेट है मतलब अगर मारा भी तो विंडो टूट सकती है आसानी से। मेरे पीछे जो रूम है इसमें सारी कॉमेंट्री चल रही है, सारे कॉमेंटेटर्स बैठे हुए हैं और सारी जो है ना पूरी आजकल आप लोग तो उस वक्त टीवी पे लाइव देख रहे होंगे, मैं तो उस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल ही अपलोड होगा, मैं तो लाइव स्ट्रीमिंग तो नहीं कर रही लेकिन ये पीछे सारी सब रिकॉर्डिंग चल रही है। यार इतना क्लोज बचा है यार, इतना क्लोज बचा भाई, क्या कर रहे हो यार। बहुत ही सिंगल डबल चल रहा है बाबर, इस अभी तक बाबर भाई पिच पे हैं तो मतलब थोड़ा भी पैसा जो है ना वसूल चल रहा है। बाबर भाई के फैन जो हैं वो उस वक्त बहुत जज्बाती हो रहे हैं कि प्लीज कुछ करें। बाबर भाई लगता है बहुत समझ के खेलना है जो कि बहुत अच्छी बात है, वो खेलना भी चाहिए, उस वक्त समझ के खेलना बहुत ज़रूरी है। गुड बॉल यूएसए की बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, मतलब हैरान कुन, मतलब जो है ना आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यूएसए के बॉलर्स इतनी अच्छी डिलीवरी जो है ना वो डाल सकते हैं और डाल रहे हैं। पाकिस्तानी बैट्समैन को ना काफ़ी हार्ड टाइम मिल रहा है, मतलब पाकिस्तानी बैट्समैन को हार्ड टाइम मिलता ही है। हमारे जो पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो हर किसी को हार्ड टाइम मिल रहा है। अभी वाह रियली गुड बॉल यार, मतलब बहुत ही अच्छी बॉल डाल रहे हैं वो टेस्ट मैच समझ के आए हैं भाई साहब, वो टेस्ट खेलेंगे आराम से टुक टुक करके, आप जज्बाती होने का कोई फ़ायदा नहीं है, एंजॉय करें एंजॉय। आप मैं तो सोच के आया हूँ कि मैं टेस्ट देख रहा हूँ पाकिस्तान के लिए। क्या कर रहे हो बाबर भाई, क्या कर रहे हो यार, इतना सा बचा है, मतलब क्या बैटिंग कर रहे हो यार बाबर, मतलब इतना वर्ल्ड क्लास बैट्समैन और भाई कोई प्रैक्टिस मैच में आपने देखा अभी सुबह जो प्रैक्टिस करी है ना, क्या जर में चौके होके क्या जर बिल्कुल टकाटक बल्ला चल रहा था, यहाँ असल मैच में बल्ले नहीं चल रहा है। सिंगल डबल पूरा ओवर पी रहे हैं भाई, पूरा ओवर पी रहे हैं। भाई यूएसए गुड फील्डिंग यार, भाई मान गए यार यूएसए, यार हम तो सपोर्ट कर रहे हैं भाई, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं यार, ऐसी बात नहीं कि सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहे हैं, यूएसए को भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो दोनों साइड पे हैं भाई। बहुत मुश्किल है ये बीच की बिल्ली बनना, बहुत मुश्किल काम है लेकिन कर रहे हैं भाई, करना पड़ेगा। जो एक्सपेक्टेशन है ना कि छक्के चौके पड़ने चाहिए इस ग्राउंड पे यार, मतलब वो हो नहीं रहा, होना चाहिए, मतलब फाइनल मैच परफॉर्म बहुत है, फिर ऐसे जो है ना मौके पे बोल सकते हैं यार कि शायद अफरीदी होता तो कुछ एंजॉय करा देता। हूँ
नहीं दी गुड 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 और सिंगल ले लिया। यूएसए की इस वक्त जो है ना बिल्कुल टॉप नॉच चल रही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। यूएसए जो परफॉर्म कर रहे हैं ना इस वक्त, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग है यार, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग, जबरदस्त। यार क्या बॉलिंग चल रही है यूएसए की, मतलब भाई चश्मा उतार के भी देखो तो शायद विश्वास नहीं होंगे भाई, क्या बॉलिंग चल रही है यूएसए की यार। मतलब अच्छा भाई मैं चश्मा नहीं उतार रहा, क्योंकि धूप की वजह से ऊपर से मुझे रोना आ जाएगा। क्या बॉलिंग है यार, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है यार, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है, मतलब बस भाई बस। यूएसए जीत रहा है, मैं तो 50% यूएसए की तरफ आ चुका हूँ, हालात चल रहे हैं ना और ये दिखा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है शायद जो है ना यूएसए को ये हरा पाए। पब्लिक का जोश थोड़ा ऊपर हुआ है, देखते हैं भाई अब आगे कुछ कुछ होता है या नहीं। हालत जो है ना मैं लाइव याद, मतलब मैं खुद देख रहा हूँ अपनी आंखों से, तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि मतलब हाँ भाई बहुत टफ है, मतलब क्रिकेट खेलना ना ग्राउंड में वो भी इतनी गर्मी में आसान नहीं है। मतलब हम लोग तो हट करके जो है ना क्रिटिसाइज करते थे, ये नहीं करा वो नहीं करा, भाई आप इतना सब पैड और ग्लव्स इतनी और इतनी हेलमेट बैट और ये सब आप करके ना आप पिच पिच पर खड़े तो हो, और अगर आप एक ओवर तो खेल के दिखा दो पता चल जाएगा आपको कि कितना मुश्किल होता है फिजिकली जो है ना इस कंडीशन में परफॉर्म करना। अगर ये आज नहीं चला ना इसकी तो पक्की रोस्टिंग है इसकी। आजम खान जो है ना वो स्ट्राइक पे, ये अगर आज नहीं चला तो बस इसकी तो मैं कार्ड लाया उसके लिए, बस हम इसका चाचा भाई, बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है।
जाता हूँ कैमरा बंद हो जाता है, मेन स्ट्रीम कैमरा मतलब मेन टीवी वाला कैमरा मुझ पर नहीं आ रहा, बाकी सब पे आ रहा है। भाई आ रहे हैं। एक ग्रुप हो जाए। आ जाए सिस्टर आप आ जाए। यार हम लोग तो घर पे बैठ के पंखे के नीचे या एसी में या दोस्तों के साथ चिल करके देख रहे होते हैं, भाई यहाँ पे ग्राउंड पे भी इस वक्त इतने टेम्परेचर में मैच देखना और खेलना और उसको मैनेज करना ना भाई, ये भाई आसान काम नहीं है यार। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम क्रिटिसाइज तो फट करके कर देते हैं लेकिन उसकी बिहाइंड नहीं देखते यार कि कितनी ह्यूमन एफर्ट भी लगती है, कितनी मेहनत। ब्रेक ले लेके जो है ना वो शूट हो रहा है, मैं ज़्यादा बना नहीं पा रहा, अभी थोड़ा वेट कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बनाता हूँ। सूरज के नीचे खड़ा होना पड़ता है यार जाके। आज़म खान को मैं नोट कर रहा हूँ, सिर्फ वो टहल रहा है, कभी उसको यहाँ भेज देते हैं कभी वहाँ भेज देते हैं, पिछले आपको सिर्फ टहलता हुआ दिखेगा, अभी दोबारा दिखेगी दिखे। जीरो फिटनेस लेवल है यार, जीरो फिटनेस लेवल। पाकिस्तान नंबर 5 मोहम्मद अमीर। पकड़ी भाई आजम खान ने कोई बॉल पकड़ी, वो चीज़ सही नहीं हो रही। तो मेरे सामने फील्डिंग पे नसीम शाह है, आपको दिखाता हूँ कैमरा। यूएसए की टीम ने क्लियर धो दिया पाकिस्तान को, कुछ भी नहीं बचा है। नहीं बस खड़ा वही हूँ कि भाई चलो भाई ठीक है पूरा ही देख लेते हैं, थोड़ा गर्मी इतनी है कि भाई मैं जाने नहीं कर रहा, वो सिर्फ मार रहे हैं, सिर्फ ये
और हमारे वालों से नहीं मारा जाता। हालांकि इस वक्त ज़्यादा गर्मी है, सुबह गर्मी कम थी। ओके, 6 बजे रह गई हैं, 11 रन चाहिए। मेरी हालत बहुत ख़राब चल रही है, मार के बैठ गया था। आखिरी ओवर है, हिम्मत करके देखते हैं। पाकिस्तान ने मारा और ये
अभी थोड़ी देर बाद मुश्किल लग रहा है भाई आपको तसल्ली देने के लिए। हाँ ये आपने अच्छी बात बोली। आपका नाम हुसैन बुलंद। हुसैन बुलंद, ये लड़के ने बहुत अच्छी बात बोली, अपने आप को तसल्ली देना। पाकिस्तान से। पाकिस्तान से, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। तो ये लोग उस काबिल है नहीं कि सारा बना सके, तो ऑब्वियसली हार जाएंगे। दे ओनली हैव सिक्स बॉल्स एंड दे हैव टू डू 19 रन, व्हिच इज सुपर इंपॉसिबल जस्ट लाइक दिस बिग सीज। क्या बोला था आपने? क्या होगा? अपने आपको तसल्ली देने वाली बात है। ये देखो इस उम्र में इस बच्चे को ये प्रैक्टिकल बात पता है भाई कि अपने आपको तसल्ली देना, जज्बात ही नहीं हो रहा है। गई गई गई। टीम यूएसए की एफिशिएंसी और उनकी प्रैक्टिस का लेवल देख रहे हैं, पाकिस्तान को सुपर ओवर में भी आउट कर रहे हैं माशाल्लाह। सुपर ओवर में भी नहीं छोड़े और सुपर ओवर में भी आउट हो रहे हैं माशाल्लाह। इनसे सुपर ओवर, ये सबसे छोटा ग्राउंड है ये डैलस टेक्सास में, इसमें भी इनसे छक्के नहीं लग रहे। चलो भाई, एक वाइट बॉल हो गई, एक रन मिले। गंजी सुहैक वो कह तो रहे थे अपने आखिरी वो पॉडकास्ट में या अपनी वो आस गंजी सुहैक में उनका था कि वो यूएसए शायद वो आएंगे यहाँ डेलस यूएस और पाकिस्तान के मैच में, तो मुझे तो नहीं दिखे। मेरी गर्मी भी इतनी लग रही है, तो मैं अभी वॉक कर रहा हूँ, अगर मुझे दिख गए यहाँ तो ज़रूर उनसे बात करने मुलाकात की कोशिश करूँगा, अगर वो मिल लिए, नहीं तो फिर सीधा सीधा गाड़ी की तरफ चलते हैं भाई। थोड़ा ऐसे ही चला के थोड़ा नैप लेंगे 10-15 मिनट, तो कुछ खाने वाने जाएंगे भाई, आज मज़ा आएगा। ठीक है, पाकिस्तान ने एक टफ कंपटीशन किया और लेकिन पाकिस्तान को जीतना चाहिए। Thank you.
मोराल बूस्ट होता था। देखिए अमेरिका में कितने माशाल्लाह पाकिस्तानी हैं, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था भाई, कितने पाकिस्तानी हैं।